हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बी एस सी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ जो आई टी पे यहाँ पर जाकर मेरे डिफरेंशियल इक्वेशन की जो प्रीवियस वीडियोज़ है वो आप देख सकते हैं जहाँ पर मैंने फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सी ए पी आई है दैन हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कॉफिशेंट दैन उसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन ये सब मैंने अपलोड कर रखा, तो आई टी पे जाके देख लीजिए। और आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कैसे हम निकालते हैं पोलर कर्व्स के अंदर। स्टूडेंट, इससे पहले मैंने कार्टेशियन कर्व पे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कैसे निकालते हैं और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होती क्या है ये मैंने आपको बता दिया, तो वो भी एक बार आई टेप पे जाके देख लीजिए ताकि ये समझने में आपको दिक्कत ना आए, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी जो पोलर कर्व्स में होता है वहां पे हम कैसे इसको निकालते हैं, राइट। तो सुन, देखिए यहां पे अगर हमारे पास यहाँ पे दे रखा है पोलर कोऑर्डिनेट में कोई कर्व और उसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालें तो कैसे निकालते हैं, सो डिफरेंशिएट द गिवन कर्व विथ रिस्पेक्ट टू थीटा एंड एलिमिनेट द पैरामीटर। जो भी हमारे पास कांस्टेंट दे रखा है उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। जैसे वहाँ पर भी हम वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जो भी पैरामीटर होता था उसको एलिमिनेट करते थे, राइट। उसके बाद जहाँ पर भी डी वाई बाय डी एक्स होता था वहाँ पर माइनस डी एक्स बाय डी वाई रखते थे, यहाँ पर उल्टा है, थोड़ा सा उल्टा नहीं मतलब चेंज है, डी आर बाई डी थीटा है तो यहाँ पे भी माइनस डी थीटा बाई डी आर रखते हैं बट आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे माइनस का आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर रखते हैं, राइट। एंड देन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाता है, राइट। तो इसमें कैसे करते हैं मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, उससे आपके सामने समझ में आ गया। जैसे हमारे पास एक कार्डियोइड दे रखा है और इस कार्डियोइड का अगर हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालना है तो कैसे करेंगे, इसमें मैं आपके सामने समझाने की कोशिश करता हूँ। आर इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा दे रखा है, राइट, है ना, और आपको इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालना, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले डी आर बाय डी थीटा रखेंगे, राइट। तो ये आएगा ए स्टूडेंट वन, तो जीरो हो गया, कॉस का होगा माइनस का साइन तो ये आएगा प्लस साइन थीटा हो जाएगा, राइट। हमें इस ए को एलिमिनेट करना है, राइट। तो या तो क्या करें दोनों को डिवाइड कर दें या फिर यहाँ से ए की वैल्यू उठा के यहाँ रख देते, राइट। तो बेटर है हम यहाँ पे क्या करते हैं इसके ए की वैल्यू निकाल लेते, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी डी आर बाई डीटा अपॉन साइन थीटा उठा के रख देते, राइट। तो आर इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास डी आर बाय डी थीटा अपॉन साइन थीटा आएगा, राइट, अपॉन साइन थीटा आएगा इंटू वन माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, राइट। इसमें यहाँ पे क्या करते हैं आर इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास डी आर बाई थीटा, पर हम जानते हैं कि जैसे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो डी आर बाई थीटा की जगह हम रखते हैं माइनस का आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी आर, राइट। ये वैल्यू हम रखेंगे, है ना, डी थी डी डी थीटा बाय डी आर, राइट। और ये वन माइनस कॉस थीटा इसको रख सकते हैं इसमें यहाँ पे टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, राइट, और इसकी जगह हम रखेंगे टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, स्टूडेंट इसकी जगह हमने ये रख दिया, इसकी जगह हमने ये रख दिया, स्टूडेंट टू से टू कैंसिल, राइट। एंड देन ये से ये टर्म से ये टर्म हमारे पास कैंसिल हो गए तो हमारे पास ये होगा साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, और एक आर से एक आर उड़ गया तो यहाँ बचेगा वन इज इक्वल टू माइनस का आर डी थीटा अपॉन डी आर, और ये हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा बाई टू, राइट। वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, राइट। तो ये डी आर इधर आ जाएगा, डी आर अपॉन आर हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा बाई टू डी थीटा, राइट। ये हमारे पास हो जाएगा इसका, भाई इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसमें यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे हम ले लेते हैं लॉग सी, क्लियर है, क्योंकि सब लॉग लॉग में है तो सब लॉग लेते हैं, राइट। ये आएगा हमारे पास लॉग आर इज इक्वल टू ये आएगा माइनस, तो हम जानते हैं कि लॉग टेन थीटा बाई टू का हमारे पास दो होता है, या तो लॉग सेक थीटा बाई टू रख सकते हैं या फिर माइनस लॉग कॉस थीटा बाई टू, तो माइनस लेंगे ताकि ये माइनस हट जाए, तो ये लेंगे लॉग क्या आ जाएगा इसमें यहाँ पे कॉस थीटा बाई टू, और हमारे पास यहाँ पे चूंकि इसका इंटीग्रेशन हो रहा है तो नीचे हो जाएगा ये वन बाई टू, क्लियर है, इज इक्वल टू प्लस लॉग सी हो जाएगा, राइट। इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ये वन बाई टू तो टू ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी वो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, जगह यहाँ लिख देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास लॉग आर, और ये टू ऊपर गया तो टू ऊपर स्क्वायर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग, इसमें यहाँ हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, और लॉग ए प्लस लॉग भी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। तो ये लॉग से लॉग हट गया तो आर इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू इंटू सी हो जाएगा, राइट। और कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, सुन वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वन प्लस कॉस थीटा अपॉन टू आ जाएगा इंटू सी, और इस सी को अंदर लिख दीजिए तो ये आएगा हमारे पास एक नया सी बना जाएगा वन प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे इसको हम इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालते हैं, यही मैंने कर रखा है, देखिए आप इसमें यहाँ पे आप समझ सकते हैं, है ना। देखो यहाँ पे यही वैल्यू आ रही है ना,
कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू हो जाएगा एंड देन वो इसको रख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बाई टू, देन सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी आती है, राइट। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। कुछ और क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके सामने ताकि आपको चीजें समझ में आए, राइट। ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस थीटा दे रखा है, इसका ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी कैसे निकालते हैं? तो सुनिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा हमारे पास 2r, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, राइट। तो सबसे पहले ये आएगा 2r dr बाय d थीटा हो जाएगा, है ना। एंड देन कॉस थीटा हमारे पास कांस्टेंट लिया, फिर हम क्या करेंगे इसमें कॉस थीटा को छोड़ा नाउ और इसका करेंगे सॉरी आर स्क्वायर को छोड़ा, वापस इसको करता हूँ इसमें, फिर से इसको कर लेते हैं। इसमें ए तो हमारे पास जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएशन, है ना, इसमें ए हमारे पास जीरो आएगा, देन इस आर स्क्वायर का करेंगे तो ये आएगा 2r dr बाय d थीटा एंड कॉस थीटा को छोड़ा, राइट। देन अब आर स्क्वायर को छोड़ेंगे और कॉस स्क्वायर का करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा, राइट। इसमें ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं आ रहा है तो हमें किसी को एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है, राइट। हम सिर्फ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, राइट, है ना। इसको इधर ले आते हैं तो ये आएगा हमारे पास 2r dr बाय d थीटा, राइट, कॉस थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा, राइट। इसमें एक आर से एक आर उड़ा दो यहाँ पे, है ना। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जहाँ पर भी dr बाय d थीटा है, राइट, वहाँ पे हम क्या रखेंगे इसमें माइनस का रखेंगे और ये आएगा आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी आर रखेंगे, राइट, इनटू ये कॉस थीटा एज इट इज आएगा इज इक्वल टू ये आएगा आर साइन थीटा हो जाएगा, राइट। एक आर से एक आर फिर उड़ गया यहाँ पे, क्लियर है। नाउ इसमें ये जो डी आर अपॉन आर है उधर पहुँचा देते हैं और ये माइनस टू इधर रहने देते, राइट, माइनस टू देन ये इधर आएगा तो इसमें ये हो जाएगा हमारे पास कॉट थीटा, है ना, क्योंकि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आएगा इंटू डी थीटा, ये दिस इज कॉस्ट कॉट थीटा, राइट, इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास डी आर अपॉन आर। नाउ इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसमें, राइट, प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास लॉग सी, क्लियर है। इसमें यह आएगा माइनस का टू, इसको हम लिख सकते हैं लॉग साइन थीटा, राइट, है ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसमें यह आ जाएगा हमारे पास लोगा प्लस लॉग सी हो जाएगा, राइट। इसमें ये माइनस टू ऊपर लेके चले जाएंगे, है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास लॉग वन, माइनस रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस को ऊपर पहुंचा दो तो ये आएगा वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, एक्चुअली माइनस टू ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर और माइनस नहीं जाएगा तो वन अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा, राइट, और ये हो जाएगा हमारे पास लॉग आर सी हो जाएगा, राइट। लॉग से लॉग कैंसिल हो गया तो आर सी इज इक्वल टू हमारे पास होगा साइन स्क्वायर सॉरी वन अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा, राइट, वन अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा आर साइन स्क्वायर थीटा, राइट, इंटू सी इज इक्वल टू वन, तो सी को उधर ले लीजिए तो ये आएगा आर साइन स्क्वायर थीटा और ये वन अपॉन सी, इसको नया सी वन ले लेते हैं कॉन्स्टेंट, तो ये हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर आएगा, इसको बी भी ले सकते हैं, राइट, इसको बी ले लीजिए, राइट। तो बी इज इक्वल टू आर साइन स्क्वायर थीटा, तो बी इज इक्वल टू आर साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। सुन हमारे पास ये भी दे रखा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा, अगेन यहाँ पे वो कोई कंसेप्ट लेंगे, सुन आर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो टू आर डी आर बाय डी थीटा और ये तो हमारे पास ए स्क्वायर है, ये इसमें कोस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस आएगा साइन टू थीटा इंटू टू, तो ये टू और ले लो यहाँ पे, है ना, इसमें टू से टू तो उड़ा देते हैं हम लोग, है ना, टू से टू उड़ा देते हैं तो ये आएगा हमारे पास आर डी आर बाय डी थीटा इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास माइनस का ए स्क्वायर साइन टू थीटा, या तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से एलिमिनेट कर दो या फिर इन दोनों को डिवाइड कर दो, सबसे बेस्ट है दिस डिवाइडेड बाय दिस कर देते, राइट। तो हमारे पास ये आएगा आर डी आर बाय डी थीटा को ऊपर रहने देते हैं और इस आर को नीचे डिवाइड कर, इस आर स्क्वायर को नीचे डिवाइड करते हैं, राइट, दिस डिवाइडेड बाय दिस करते हैं एंड ही आएगा हमारे पास माइनस का ए स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन नीचे आएगा ये ए स्क्वायर कॉस टू थीटा हो जाएगा, राइट। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर उड़ गया, ये आर से ये आर भी उड़ गया तो हमारे पास ये आएगा डी आर बाय डी थीटा, सो ये वन अपॉन आर यहाँ पर ले लेते हैं इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा माइनस का टेन टू थीटा हो जाएगा। अगेन हम क्या करते हैं स्विन वन अपॉन आर, यहाँ पे मैंने आपको बुलाया माइनस का आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी आर रख लेंगे इज इक्वल टू माइनस का टेन टू थीटा हो जाएगा, राइट। इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, ये आर से ये आर उड़ गया, इसको उधर ले आ रहे और माइनस माइनस तो हट जाएगा तो इसमें डी थीटा और ये टेन थीटा नीचे गया तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉट टू थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास डी आर अपॉन आर हो जाएगा, राइट। नाउ इसका इंटीग्रेशन करते हैं, सुन यहाँ पे लॉग सी ले लेंगे हम लोग, क्लियर है। तो इसमें हम जानते हैं यहाँ पे क्या आएगा, लॉग ये आएगा हमारे पास साइन टू थीटा अपॉन टू आएगा, है ना, तो वन बाई टू लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना, इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास लोगा प्लस लॉग सी हो जाएगा, ये वन बाई टू ऊपर गया तो ये आएगा हमारे पास लॉग साइन टू थीटा पावर वन बाई टू हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा लोग आर सी, इसमें लोग से लोग हट जाएगा तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी आर सी इज इक्वल टू रूट साइन टू थीटा, इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए आप तो ये आएगा हमारे पास आर स्क्वायर सी इज इक्वल टू साइन
टू टीटा हो जाएगा, इस सी को डिवाइड कर दीजिए तो ये आएगा आर स्क्वायर इक्वल इसको वन अपॉन सी, तो इसको वन अपॉन सी को मैं बी स्क्वायर ले लेता हूँ राइट, तो ये आएगा हमारे पास बी स्क्वायर साइन टू टीटा राइट, तो ये हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी राइट, तो इसमें ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी, और लास्ट में मेरी वीडियोज़ है आप देख सकते हैं, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन की पूरी प्लेलिस्ट है जहाँ पर मैंने काफ़ी सारा कंटेंट अपलोड कर रखा है, इसमें बीएससी के जो मेरे वीडियोज़ हैं जहाँ पर मैंने लाइक जितने भी बीएससी और इंजीनियरिंग में टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो सब अपलोड कर रखे, प्लस मेरा जो नया चैनल है जिसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक और बहुत सारे जनरल एप्टीट्यूड की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये दोनों मेरे चैनल है, सुनिए नया चैनल जहाँ पर एप्टीट्यूड की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, ये मेरा पुराना चैनल जहाँ पर हायर मैथ्स की वीडियोज आप देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए सो देर की आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।